मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैं आपसे कह रहा था कि संसार में हम सब माया के नशे में चूर हैं। किसी को धन का नशा है, तो किसी को अपने विद्वान होने का नशा, किसी को अपनी सुंदरता का नशा। सब अपनी अपनी मस्ती में गुम हैं। इस माया के नशे में आकर इंसान भटक गया है। उसका मन सारा समय भटकता रहता है। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा कि हमारे भीतर अनहद का बाजा बज रहा है, हमारे भीतर दिव्य ज्योति जल रही है, पर हम न अनहद शब्द सुन पाते हैं, न दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे मन की भटकन। हमारा मन भटकता है और हम इस मन के साथ भटकते हैं। हम सारा समय भटकते रहते हैं। न केवल उस समय भटकते जब हम चलते फिरते हैं, न केवल उस समय भटकते हैं जब गाड़ी में बैठे हैं, अपितु जब ध्यान में बैठे हैं तो भी भटकते रहते हैं। और तो छोड़ो, जब प्रार्थना करते हैं तब भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, इंसान बेचारा भटका हुआ है, फिर जब वह संतों का आवाज सुनता है, हे शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया, तब वह सजग होता है। अरे यहाँ तो मैं किसी विशेष कर्तव्य के लिए आया हूँ। जब सजगता आती है तब वह कहता है, अब मैं और नहीं भटकूंगा, अब मैं यात्री बनूंगा, अपने निज देश की ओर चलूंगा, जहाँ दिव्य ज्योति अविनाशी ज्योति जल रही है, जहाँ श्री कृष्ण की मधुर मुरलिया बज रही है। इस तरह भटकता हुआ इंसान पहले यात्री बनता है और फिर यात्री से वह जिज्ञासु बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा उठती है, उसके भीतर निज देश को तलाशने की इच्छा उठती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह निज धाम कहीं दूर आसमान में नहीं है, वह निज धाम तो हमारे भीतर ही है। जिस तरह आप बाहर यह आकाश देखते रहे हैं, उससे विशाल आकाश हमारे भीतर है, जिसे ऋषियों ने चिदाकाश कहा है। जिज्ञासु अब तलाश में निकलता है, उसके दिल में प्यास जागती है, प्रभु मिलन की प्यास। संतों का है यह फरमाना, चलेगा तेरे साथ एक खजाना, इश्क खुदा के वास्ते, इश्क खुदा के वास्ते। अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते। फकीरों का है यह फरमाना,
जाना इश्क अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते, इश्क अलख के वास्ते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद कर लो, सभी संतों का यह फरमाना है, सभी संतों की यही शिक्षा है, सभी संतों का यही संदेश है कि आपके साथ एक यही खजाना चलेगा, बाकी के सारे खजाने यहीं रह जाएंगे। ये खजाना है इश्क खुदा के वास्ते, इश्क खुदा के वास्ते, प्यास प्रभु के वास्ते। फिर क्या आपने अपने दिल में प्यास जगाई है? क्या कभी ईश्वर का ध्यान करके आपने नैनों से नीर बहाया है? यदि हाँ तो आप धन्य हैं, यदि नहीं तो अब भी न गुजरी है, अभी भी समय है। जब तक इस मटकी में श्वास है तब तक हमारे पास अवसर है, जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक हमारे पास अवसर है। समय आ रहा है जब एक दिन हमारी ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, फिर कभी नहीं खुलेंगी। इसलिए अपने भीतर प्यास जगाओ, प्यास जगाओ। प्यास क्या होती है इसका आप सबको अनुभव है। मुझे एक महिला मिली और कहने लगी मुझे बहुत प्यास है। मैंने कहा अरे मुझे तो इसी का इंतजार है कि कोई हो जिसके दिल में प्रभु मिलन की प्यास हो। पर उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। वह बोली मेरे देवर ने अपनी पत्नी को हीरों का सुंदर हार खरीद कर दिया है। अब मेरे दिल में प्यास उठी है कि ठीक वैसा ही हीरों का हार मेरे पति मुझे ला कर दें, वरना मुझे रातों को नींद ही नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्यास जगानी है, प्रभु मिलन की प्यास, प्रभु मिलन की प्यास। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों लोग उन्हें नरेंद्र के नाम से जानते थे। वे एक मेघावी छात्र थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की कई पुस्तकों का अध्ययन किया था, इसलिए इनके मन में शंका उठी। वे सोचने लगे मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग ईश्वर भगवान परमात्मा प्रभु की रट लगाए रहते हैं, पर कोई है जिसने ईश्वर को देखा है? यदि किसी ने ईश्वर को देखा है तो फिर हम सच्चाई से कह सकते हैं कि ईश्वर हैं। पर जब किसी ने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर है? तब वे तलाश में निकले। उन दिनों जो पंडित थे आचार्य थे वे उनके पास गए। वे जाकर सीधे उनसे यह प्रश्न पूछते महात्मन आप उपदेश देते हैं, आप परमात्मा के बारे में कई बातें कहते हैं, पर मुझे बताएं कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके प्रश्न का सही उत्तर देता जिससे उनकी शंका का निर्वाण हो सके। मेरे प्रियजनों, फिर एक दिन उनके चाचा उनसे कहते हैं तुम कई संतों और पंडितों के पास गए हो, पर एक हैं जो दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते हैं, क्या तुम उनसे कभी मिले हो? वे सच्चे साधु हैं, वे पढ़े लिखे विद्वान नहीं हैं, वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते। उनका नाम है श्री राम कृष्ण परमहंस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संत राम कृष्ण परमहंस जी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद उनका संदेश लेकर देश विदेश गए थे। हाँ तो नरेंद्रनाथ के चाचा कहते हैं तुम कभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से
मिले हो? नरेंद्र ने कहा, नहीं तो, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना है। फिर एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर आते हैं और वही सवाल पूछते हैं, महात्मन आप प्रभु प्रभु तो कहते हैं, पर मुझे बताओ कि आपने प्रभु को देखा है? इस पर संत रामकृष्ण जी ने नरेंद्र की तरफ देखकर कहा, मेरे प्रिय, मैंने प्रभु को देखा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उसे कहीं अधिक साफ साफ मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर नरेंद्र दंग रह जाते हैं। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा उत्तर मिला था, पर उन्हें विश्वास नहीं होता। इंसान का मन है ही ऐसा, मन में शंका उठती ही रहती है। यदि घर में कोई चीज़ खो जाएगी और वह घर के किसी कोने में पड़ी होगी, पर मन में शंका ज़रूर उठेगी कि अमुक व्यक्ति आया था, यह चीज़ वही ले गया होगा। मन का काम ही है शंका करना, इस मन को पीटना है। अपनी चप्पल उतार कर पीटना शुरू कर दो। अब आप पूछेंगे, मन को कैसे पीटें? मैं बताता हूँ मैं मन को कैसे पीटता था। बस जब कोई ऐसा वैसा विचार उठा कि मैं अपने गाल पर थप्पड़ मारता था, फिर मन एकदम सीधा हो जाता था। मन को पीटो, मन को मारो। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है ते साधु कोई एक। मन के मते न मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ तो नरेंद्र के मन में शंका उठी। तब वे पूछते हैं, अच्छा बताओ, क्या मैं परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ? आप कहते हैं आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं, आप परमात्मा को देख सकते हैं, क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? क्योंकि जब तक मैंने उन्हें नहीं देखा है, तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि परमात्मा है? इस पर संत रामकृष्ण जी कहते हैं, तुम भी परमात्मा को देख सकते हो। एक एक मनुष्य परमात्मा को देख सकता है, यह तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे प्रियजनों, भगवान को देखना आप में से एक एक का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप उनकी संतान हैं। आप में से एक एक राजकुमार है, राजकुमारी है। पर थोड़ी से मौज मस्ती के लिए आपने स्वयं को भिखारी बना दिया है, आपने स्वयं को इस माया नगरी में बेच दिया है। हाँ तो संत रामकृष्ण जी नरेंद्र से कहते हैं,
तुम भी परमात्मा को देख सकते हो। फिर कुछ रुक कर वे कहते हैं, नारियां पुरुषों के लिए आंसू बहाते हैं बहाती हैं और पुरुष नारियों के लिए आंसू बहाते हैं, युवक युवतियों के लिए आंसू बहाते हैं और युवतियां युवकों के लिए आंसू बहाती हैं। पर कहाँ है वे, कहाँ है वे लोग जो प्रभु के प्रेम में उनके वियोग में तड़प कर आंसू बहाए। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, यदि तुम दिल की गहराई से सच्ची प्यास और तड़प से परमात्मा के लिए आंसू बहाओ तो तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। प्यास जगानी है, एक एक जिज्ञासु के जीवन की सबसे पहली निशानी है प्यास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्यास जगाओ। यदि आपके दिल में प्रभु मिलन की प्यास नहीं है तो वह मांग लो। एक एक अच्छी चीज़, एक एक उम्दा चीज़ हमें भगवान के ओर से उपहार के रूप में मिलती है। हे भगवान, मुझे यह उपहार दो, मेरे भीतर प्यास जगाओ। क्या आपने कभी ईश्वर से कहा है, हे प्रभु, मेरी आंखें सूखी है, मेरा दिल कठोर है, मैं भी तुम्हें प्यास से पुकारना चाहता हूँ, कृपया तुम मेरे आंखें नीर से भर दो, मेरे दिल को कोमल कर दो, ताकि मैं भी प्यास और तड़प से तुम्हें पुकारूं, प्यास से प्रभु जी तेरे चरण आ पाऊं, पल पल प्रीतम बल जाऊं जाऊं, फिरत फिरत चकर संसार, मैं तो भिखारी मांगू मैर निहार। प्यास
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप अपने साथ ये प्रश्न लेकर जाएं, ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। और रोज ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे प्यास दो, मैं ऋषि नारद है ना। भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, उन्हें कोई काम होता तो वे महर्षि नारद से करने को कहते थे। एक दिन विष्णु जी उनसे बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। इस पर नारद मुनि बोले, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, आप तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। विष्णु जी बोले, नहीं नहीं नारद, आज मैं देने के मूड में हूँ, इसलिए तुम कुछ तो मांग लो। तब नारद बोले, हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों के लिए निज भक्ति निज प्रेम का वरदान दो और मुझे आशीर्वाद दो कि यह मोहिनी माया जो सारे जगत को बांधे हुई है कभी मुझे गुमराह करके आपसे दूर न कर सके। Grant me pure love and devotion for thy lotus feet and so bless me that this world bewitching maya may not lead me astray. आप भी भगवान से मांग लें, बस इसी पल से आप मांगना शुरू कर दे, फिर एक एक घंटे के बाद धुन लगाते रहे, आखिर तंग आकर वे आपको देंगे। हमें प्रभु को तंग करना है, हम उन्हें तंग करते ही नहीं। हम पाठ पूजाएं तो बहुत करते हैं पर उन्हें तंग नहीं करते, यदि तंग करेंगे तो वे अपने आप हमें दान देंगे। बस एक एक घंटे के बाद प्रार्थना करें, हे भगवान तुम मुझे अपने चरण कमलों के लिए निज भक्ति और निज प्रेम का दान दो और मुझे आशीर्वाद दो ताकि यह मोहिनी माया जो सारे जग को बांधे हुई है अब वह मुझे गुमराह न कर सके। मैं इसके साथ एक और लाइन जोड़ देता हूँ, वो ये, हे भगवान इस दुख भरे संसार की सेवा के लिए आप मुझे अपना साधन बना लें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में बहुत दुख है, न केवल गरीब दुखी है पर अमीर भी दुखी है, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान आप सब पर अपना आशीष करें, काश हम भी इस राह में आगे कदम बढ़ाएं और एक भाग्यशाली दिन भगवान की कृपा से हम भी अपनी जीवन यात्रा सफल करें। ओम शांति शांति शांति।